हो जियो तो भाई, जब प्रस्ताव ने इतराज कर दिया तो भाई बिना जांगे के कोई जाने नहीं पड़ेगा। चलो लोग ताली बजाओ ना, बिना डॉक्टर वाली आपकी आपकी मालिक को साहब ने हितेश पहलवान हाथू था, बैठ जाओ भाई। भाई ये हितेश पहलवान अखाड़ा अखाड़ा धर्मवीर अखाड़ा बॉम्ब डोली भाई 2048 के नाम पे। भाई अजय पहलवान लाखुआ सोना इंदर अखाड़ा भाई जोरदार ताली एक बार इसके नाम की भी। और कुश्ती का टाइम अपनी घड़ी देख लो, एक मिनट कोई बात तेरी बात ही मान लेगा। हाँ डिस्काउंट करके इस कुश्ती का टाइम है 12 मिनट, आप देख बहुत ही बढ़िया। और लेकिन चलती कुश्ती नहीं दी जाओगी, 12 मिनट बहुत होते हैं। चलो भाई चलो भाई चलते रहो, भाई पानी भाई के लिए भाई पानी की बोतल भेज दो एक जल्दी से, भाई पानी की बोतल जरूर भेजे भाई मुकेश के लिए भाई। भाई आप लोगों के बीच में भारत केसरी हितेश पहलवान का बामड़ोली अखाड़ा धर्मवीर और सभी भारत केसरियों से लड़ने वाले भाई गुड़गांव केसरी पहलवान अजय अखाड़ा सोना गुरुंदर सभी पहलवानों से पंजाब के अंदर जो 5-5-7-7 लाख में कुश्ती लड़ते हैं, और आप लोगों के बीच में जो आज कुश्ती दिखाई जा रही है बड़े गौरव की बात है। जो आप लोगों के प्यार और जो है आशीर्वाद से पहलवान हमारे इस दंगल में आज अपना जोहर दिखा रहे हैं वो तो नसीब की बात है। देखो किसका दाव कब लग जाए, कुश्ती को कहते हैं बाड़ू की भीत भाई, पता नहीं किस दिशा में ढह जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे पहलवान दोनों और बिना जांघिया के, जो हमारा रूल शुरू से था कि जांघिया पकड़ कुश्ती नहीं होगी, आंगली तोड़ कुश्ती नहीं होगी, ये कुश्तियों का जमाना जा चुका है। बहुत ही अच्छी कुश्ती आज की सबसे बड़ी कुश्ती, और दोनों ही बहुत ही अच्छे पहलवान हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में, हिमाचल में पंजाब में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश राजस्थान सारे कुश्ती लड़ते हैं। जो पहलवान दाव लगाएगा दाव के लिए 1000 रुपए हम नोट कर लो, 12 मिनट में अगर जो 12 दाव लग रहे हैं तो 12000 रुपए पहलवान के लिए। ज्यादा जोरदार ताली ताली का योगदान देते हो बालाजी महाराज की। भाई एक आधा दाव लगा के दिखाओ, पैसा तो इतना मिल रहा है लेकिन दाव तो लगाओ, एक आधा तो लगाओ दाव। चलते रहे भाई पहलवान सारे चलते रहे और अपना जोर दिखाए भाई। दोनों ही पहलवान सुपर हैवी वजन के हैं, 100 किलो प्लस वजन है इनमें, 125 किलो वजन हितेश में, 115 किलो अजय में। और बहुत ही शान की बात हमारे गुड़गांव जिले का पहलवान बहुत बढ़िया दाव नहीं लगाया को सारा कुछ भी दाव लग के बता दूंगा मैं, दाव लग के 1000 खड़े हैं इसके। बहुत ही अच्छी कुश्ती है बंसी पहलवान1000 रुपए पर दाव पे जोशी की तरफ से जोरदार दाव पे जोशी ने पहली बताया दाव कोई लगाओ ना मेरे हेलो एक है हमारे बीच में ना हम अपने मेन सदस्य को तो उनका स्वागत करना तो भूल गए, हमारे शिव नारायण मास्टर जी और मुकेश पहलवान जी भी दोनों को हम भूल गए, इनका बीच में हम सम्मान करेंगे एक बार साइड में ही।
अभी तो यही है मुंडा के चक्कर में नहीं भाजन दो फिर कोई बाद में और आइए दशहरा दंगल कमेटी मुकेश भाई पहलवान जी और शिव नारायण मास्टर जी और डुंडाहेड़ा से जितने भी आए दशहरा दंगल कमेटी से दादा धर्मवीर दादा धर्मवीर जी इमरान दंगल जी धर्मवीर पहलवान छोटे लाल जी अंकल हमारे लंबरदार लंबरदार जी लंबरदार पिलर पे खड़ा है भाई कमेटी के सदस्य हमारे का आ जाइए जी सेक्टर 22 देखिए दशहरा दंगल कमेटी ने हमारा सदा ही हमारा सहयोग दिया है और इस दंगल में सफल बनाने के लिए उन्होंने 6 मिनट होगी भाई हमेशा हमारा योगदान दिया है 6 मिनट और रहेगी भाई और भाई मुकेश पहलवान और रामोतार जी ने हमारे दंगल की शोभा हर वर्ष की भांति अब इस बार भी बढ़ाई है मैं पूरी दशहरा दंगल कमेटी का समस्त मोहल्लाहेड़ा गांव वासियों की तरफ से भाई जितने भी आए हुए हैं सदस्य दादा धर्मवीर रस्सी के भीतर आ जाओ दादा धर्मवीर जी जितने भी गांव से जो जो सदस्य आए हुए हैं सभी से मेरी विनती है अजय एक बार और जोरदार स्वागत भाई एक बार सबके नाम का ताली बजा दो भाई एक बार दशहरा दंगल कमेटी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए रवि भाई जोरदार तालियां रवि भाई सिमालका से भी आजा भाई आजा जल्दी रवि भाई सिमालका से जल्दी हां मारुति का नाम कैसे होगा जल्दी आजा भाई मोलाहेड़ा गांव से भाई राजपाल चाचा रिसाल डॉक्टर जोशी और हमारे बड़े बुजुर्ग हुकम जी छतरपाल के बड़े भाई जी रविंदर जोरदार ताली सबके नाम सती जींदर जी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि दशहरा दंगल का कमेटी के जितने भी सदस्य सभी को अपनी तरफ से मान और सम्मान करते हैं हम अपनी तरफ से और इनके हम सदा ही भी नहीं है एक दाल हो गया भाई हजार रुपए कमेटी टाइट रखा भाई हजार रुपए कमेटी ने बोल दी मैंने टाइट भाई सतबीर जी भाई आ जाओ ना कमाल कर रहे हो आप भी बार बार बुलवा रहे हो डॉक्टर जोशी जी एमना जी कापा सेड़ा से आओ सर आप आओ ना जी आप देखो भरी सभा में मान सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है ये हमारे नेताओं लोग सभी बड़ी भली बात ही जानते हैं भाई तो साहब कितना टाइम हो गया और जिन्होंने भी हमारे इस 4 मिनट भाई जोरदार ताली एक बार 4 मिनट बाद नगर खेड़े की जाए बोलते हैं भाई रविंद्र पार्षद आप अपना फोन ले जाओ और ये फोन भी आ रहा आपका अरे जयवीर कलीपा का भाई जयवीर कोसाब का रविंदर अरे पगड़ी का रविंदर तेरी और कोसाब का भाई पार्षद का स्वागत कर जल्दी बढ़िया देखिए इस वार्षिक प्रोग्राम में जिन्होंने भी हमारा सहयोग दिया है दूर दराज से जितने भी अतिथि गण आए हैं हम सभी का अपने गांव की भूमि की तरफ से और समस्त गांव वासियों की तरफ से आपको हाथ जोड़कर नमन करते हैं धन्यवाद करते हैं और जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर छोटे भाई समझकर हमें माफ कर दीजिए क्योंकि ये चौथा विशाल कुश्ती दंगल है मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारी जितनी भी कमेटी है गौशाला
राधा कृष्ण गो सेवा समिति जिन्होंने नवयुवक बच्चों ने हमारा जो सहयोग दिया है, इन बच्चों के नाम से भी एक बार जोरदार ताली बजेगी। जो इनका भाई ये नई टीम जो आपकी बनी है, बिल्कुल इनका एक बार ग्राउंड में बुला लो भाई को। राधा कृष्ण गो सेवा समिति जितनी भी हमारी है नवयुवक बच्चे, वो भी एक बार सभी ग्राउंड में आ जाए। और मेरी कमेटी से विनती है इनको मोमेंटो देके इनका स्वागत करे जोरदार ताली के नाम की भी एक बार। भाई मुकेश के नाम से भी एक बार जोरदार ताली, जो समय पर याद दिलाया। राधा कृष्ण गो सेवा समिति, आप कुश्ती होती रहेगी, आप साइड में हो भाई। दो मिनट हो रहे, दो मिनट कुश्ती के, दो मिनट कुश्ती भी होती रहेगी। चाचा इनका मान सम्मान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अच्छे हैं जो कुछ है आज की डेट में। भाई सभी बच्चों को मोमेंटो देकर हम अपने गांव की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। संचालक श्री वेद प्रकाश यादव, डॉक्टर जोशी जी, राजपाल जी, रविंदर जी, एक बार जोरदार तालियां दी पहलवानों के लिए, जोरदार तालियां। भाई बड़े भाई मुकेश मेरे, अगर भाई मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये नवयुवक बच्चे आपको याद कर रहे हैं। एक बार टाइम बताए, टाइम लास्ट मिनट भाई, तारीख एक मिनट बाकी है भाई, जो समय कमी की तरह था। थोड़ा साइड हो जाए, साइड हो जाए, साइड हो जाओ। पहलवान आ चुके तुम्हारे पास, साइड हो जाओ भाई। ग्रुप के साथ फोटो होगा, सभी खड़े हो जाओ शाम के। यार भाई ये ना रहेगा ना तो कुछ भी ना हो, तो मेहनत तो यही करे। और ये राधा कृष्ण वो सेवा समिति है, ये मेरी इनसे एक अर्ज है कि ये अखाड़ा जो बना हुआ है इसमें आके प्रैक्टिस भी करें, अपनी टीम बढ़ाए कबड्डी की, बढ़िया से कबड्डी की टीम बढ़ाए अपनी।